हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय सेल्फ शुभम मोरडा फ्रॉम शुभ एजुकेशन। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान के बारे में। एक हॉट डेस्टिनेशन है काफ़ी ज़्यादा अमंग द स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, ठीक है। तो उज़्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस उज़्बेकिस्तान के बारे में, जानेंगे कंट्री कैसी है, लाइसेंस कैसे मिलता है यहाँ पे, ठीक है, एनएमसी गाइडलाइंस को क्या फुलफिल करती है, जो भी बातें जानेंगे। इसके अलावा टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है, बजट कितना कितना रह सकता है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है, और इसके अलावा कंट्री कैसी है, ठीक है, और जितनी भी बातें हैं आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो एमबीबीएस इन उज़्बेकिस्तान स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं उज़्बेकिस्तान कंट्री के बारे में। तो जो एक कंट्री है ये 1991 तक सोवियत यूनियन का पार्ट थी, यानी कि यूएसएसआर का पार्ट थी। जब एक रशिया था जो वो पूरा एक बहुत बड़ा था, सोवियत यूनियन था, जिसमें जैसे उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान आता था, ठीक है, तजाकिस्तान आ गया, आर्मेनिया आ गया, जॉर्जिया, तो ये सारी कंट्री उसके अंडर आती थी। तो यहाँ का जो कल्चर है वो आज भी रशियन आपको देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो इट्स ए मिक्सड अप कल्चर ऑफ एशियन एज वेल एज रशियन कल्चर, ठीक है। तो एक मिक्सअप सा यहाँ पे कल्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें लैंग्वेज के बारे में तो यहाँ के जो लोग हैं वो उज़्बेकी में बात करते हैं, इसके अलावा रशियन जानते हैं, क्योंकि जैसे आपको पहले बताया सोवियत यूनियन का पार्ट था, तो रशियन यहाँ पे एम्पावरमेंट थी, ठीक है। तो रशियन यहाँ पे आप लैंग्वेज बोली जाती है और सिखाई भी जाती है। फर्स्ट ईयर में जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर से ही आपको लैंग्वेज का जो कोर्स है वो आप साथ साथ वो चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो यूथ है वहाँ का वो इंग्लिश में भी अब बात करने लगा है, ठीक है। काफ़ी सारे आप इंटरेक्शन करेंगे तो वहाँ पर मिलेंगे कि इंग्लिश में भी लोग अब बात करने वहाँ पर लगे हैं। पॉपुलेशन के बारे में अगर बात करें तो 3.7 करोड़ वहाँ की जो पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसके अलावा क्लाइमेट कंडीशंस के बारे में बात करें तो क्लाइमेट कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इंडिया से सिमिलर हैं। अगर समर्स में बात करें तो समर्स में वही यहाँ पे 30 डिग्री टू 35 डिग्री सेल्सियस रहता है, कभी कभी 25 डिग्री भी रहता है। और इसके अलावा विंटर्स में इतना एक्सट्रीम नहीं जाता यहाँ का वेदर, -3 तक जाता है, -5 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, ठीक है। स्नोफॉल होती है बट एक लिमिटेड टाइम, 1 से 2 दिन के लिए होती है, उसके बाद नॉर्मल जो चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। आपने कई ऐसी कंट्रीज भी देखी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, हैवी स्नोफॉल, और कईयों को जिनको प्रॉब्लम होती है अस्थमा वगैरह की, तो वहाँ पे नहीं जा पाते। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए या सभी के लिए ये एक अच्छी कंट्री हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर क्लाइमेट सेम है तो एक और चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ पे डिजीज भी सेम होंगे, ठीक है। जो आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर होगा बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइमेटिक कंडीशन होती है उस हिसाब से डिजीज रहती हैं। जैसे इंडिया का क्लाइमेट है और इंडिया की डिजीज है, वही आपको डिजीज आपको उस कंट्री में यानी कि उज़्बेकिस्तान में आपको देखने को वो मिलने वाले हैं, ठीक है। कंट्री काफ़ी अच्छी है, अगर आप वहाँ पर अगर आप बताते हैं कि आप इंडियन से, तो आपको एक अलग ही तरह से आपको एक वार्म वेलकम वहाँ पर किया जाता है, ठीक है। बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा वहाँ पर चलन है, ठीक है, बॉलीवुड वहाँ पे बहुत देखा जाता है, और इसके अलावा इंडियन मूवीज़ वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। तो इंडिया से बहुत ही अच्छा रिलेशन है उज़्बेकिस्तान का। और यहाँ की अगर हम करेंसी के बारे में बात करें तो करेंसी यहाँ की है हमारी जो 1 रुपी है वहाँ का, वो बनता है 140 सोम्स, ठीक है, उज़्बेकी सोम्स बनते हैं। और जो आप देख सकते हैं करेंसी काफ़ी लो है, इस वजह से जो आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी काफ़ी कम आती है। आप मान के चलें 100 से लेके 120 रुपीज़ में आप वहाँ पे अपना लंच या डिनर कर सकते हैं। सो इट्स वेरी अफोर्डेबल कंट्री। और आगे जो आपके लिविंग एक्सपेंसेस आएंगे अगर आप खुद से वहाँ पे मैस अपना किचन में कुक करते हैं, ठीक है, आपको कोई किचन भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे आप अपना कुक करके आप जो आपका बजट है वो आप अपना और भी यहाँ पे कम कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम फ्लाइट के बारे में बात करें तो टाइम ट्रैवल के बारे में बेसिकली, तो दिल्ली से सीधी फ्लाइट चलती है ताशकंद की, डेली फ्लाइट होती है, उज़्बेकिस्तान एयरलाइंस की अपनी फ्लाइट है, ठीक है, डायरेक्ट फ्लाइट है, 3 आवर्स की फ्लाइट होती है दिल्ली से ताशकंद जाती है, और काफ़ी कम टाइम पीरियड में आपको वहाँ पे पहुँचा देती है, जो बहुत ही ज़्यादा नियर है, ठीक है। और एक कंट्री है जहाँ का जो बॉर्डर लगता है आपको पहले बताया कजाकिस्तान से, ठीक है, तजाकिस्तान से और किर्गिस्तान से, सभी यूएसएसआर कंट्रीज़ हैं ये, जो वो होती थी यूएसएसआर पहले के टाइम पे, तो वही सारी कंट्रीज़ हैं और काफ़ी ज़्यादा पास है इंडिया की। और आप ताशकंद के बाद आपको बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। अब जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, समरकंद जाना चाहते हैं, फरगाना, बुखारा, तो आपको वहाँ के लिए सीधा बुलेट ट्रेन मिलती हैं, और बुलेट ट्रेन आपको 1 से 2 घंटे में आपको वहाँ पर वो पहुँचा देती हैं, ठीक है। और लिटरेसी रेट 100% है यहाँ का 99-100% सभी लोग यहाँ के पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और इसे एक और चीज़ है, आपको यहाँ का जो क्राइम रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है, इवन कि अगर हम बात करें काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्रीज है, अगर हम इंडिया भी ले लें तो वहाँ से भी ज़्यादा, ठीक है, इनका जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। क्राइम रेट कम होने की वजह से जो यहाँ की लिटरेसी रेट है बहुत ही, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। और उसके अलावा ये सेफेस्ट कंट्री है, ठीक है। तो गर्ल्स जो स्टूडेंट जो पेरेंट्स होते हैं जो कंसर्न होते हैं अपने गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए, तो इट्स अ गुड न्यूज़ कि वहाँ पे जो ये जो कंट्री है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर कंट्री है। और यहाँ के जो हॉस्टल्स होते हैं वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे रहते हैं, ठीक है, सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं, तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पे वो मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में कि यहाँ पे जो कोर्स ड्यूरेशन है वो रहती है 5 ईयर्स की, 5 ईयर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप, तो 6 ईयर की आपकी कोर्स ड्यूरेशन रहने वाली है।
ठीक है। और उसके अलावा जो मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा, जो आपकी स्टडी रहेगी MBBS की, वो रहेगी आपकी इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। UNMC गाइडलाइंस का एक और पॉइंट है कि आप जहाँ से भी स्टडी कर रहे हैं वो आपका इंग्लिश में होना चाहिए, तो आपकी यहाँ पे स्टडी इंग्लिश रहेगी। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंग्लिश टीचर्स हैं, यानी कि जो इंडिया के टीचर्स हैं वो वहाँ पे पढ़ाने जाते हैं, ठीक है। तो इससे जो आपको इंडिया का एक्सपोजर है वो अच्छा मिलेगा, ठीक है। जो एक इंडियन इंग्लिश का है आपको एक्सपोजर अच्छे से मिलेगा, और आप इंग्लिश में आपकी जो पूरी स्टडी है वो रहने वाली है। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी जहाँ पे MCI जो नेक्स्ट एग्जाम होगा आगे फर्दर, उसकी भी कोचिंग जो अभी तक चलता आ रहा है FMG की, वो भी यहाँ पे कराई जाती है, ठीक है। और इसके अलावा बात करें यहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो WHO से रिकॉग्नाइज है, ठीक है। आप यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद अगर आप जाना चाहते हैं अमेरिका जाना चाहते हैं, ठीक है, लैब देना चाहते हैं USMLE के लिए, AMC, ठीक है, इसके अलावा GMC देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इसके अलावा NMC गाइडलाइंस है कि आप किसी यूनिवर्सिटी को आप वहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको कोई भी यूनिवर्सिटी को चेंज नहीं करनी है। अगर आपने सेलेक्ट कर ली एक बार तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते, चेंज करते हैं तो वो NMC गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करेगी और आप इंडिया के प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने एक ही बार यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, ठीक है, तो उसको अच्छे से चूज़ करना, ठीक है। सारी बातों को ध्यान रखते हुए, कौन सी पुरानी यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर पढ़ाई कैसी कराई जाती है, हम बेसिकली सभी यूनिवर्सिटीज़ में होके आएँ, तो आप हमारी टीम को एक बार कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं। एक मीटिंग फिक्स कर सकते हैं हमारे ऑफिस में आके, जिसमें हम आपको सारा कंप्लीट बताएंगे। इसके अलावा हम सेमिनार्स भी कंडक्ट कर रहे हैं, आप हमारे पास पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपको जो एड्रेस आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और किसी का फीस स्ट्रक्चर चाहिए तो वो भी आप जान सकते हैं। और इसके अलावा बात करते हैं लाइसेंसिंग एग्जाम के बारे में। सो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, देयर इज नो लाइसेंसिंग एग्जाम इन उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान में कोई भी लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं है। आप डायरेक्ट आप जो अपनी, जैसे इंडिया में होता है, MBBS कंप्लीट करते हैं, NMC में जाते हैं और वहाँ से अपना जो लाइसेंस है वो लेके आ जाते हैं प्रैक्टिस का, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। सेम उसी तरह से उज़्बेकिस्तान में आपको जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। आप अपनी डिग्री लेके जाएंगे वहाँ के स्टेट ऑथोराइजेशन में, आप वहाँ पे अपनी, ठीक है, डिग्री को वेरीफाई कराएंगे, उसके बाद आपको डायरेक्ट लाइसेंस मिल जाएगा प्रैक्टिस करने का, आपको कोई एग्ज़ाम देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है जो स्टूडेंट्स के लिए मेन कंसर्न बन रहा था आज के टाइम पे, लाइसेंस का हम क्या करें, लाइसेंस कैसे, क्योंकि और भी बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देना पड़ता है। कहीं में क्वालिफाई बच्चे कहीं कर पाएंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिफरेंट लैंग्वेजेस में होगा वो, ठीक है, रशियन में भी होगा कहीं पे, ठीक है, कहीं पे वो कजाकी में भी होगा, किर्गिज में भी होगा, तो बहुत एक टफ हो जाता है। और कंपटीशन भी ऐसा होता है कि उन सभी स्टूडेंट्स के आपको बीच बैठना होता है जो वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा जो लैंग्वेज का बैरियर है वो कई बार आपको देखने को मिलता है। हालांकि लैंग्वेज तो देखो सीखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वहाँ के पेशेंट्स इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ के उसी लैंग्वेज में ही करेंगे, ठीक है, तो लैंग्वेज सिखा दी जाती है। बट आपको एक लाइसेंसिंग एग्जाम को जो कंसर्न था स्टूडेंट्स के बीच बन रहा था, तो उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री जहाँ पे आपको लाइसेंसिंग एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अब टॉप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे जो यूनिवर्सिटी है वो है समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी ज़्यादा पुराना है, 1930 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है, और आप डायरेक्ट ताशकंद से समरकंद पहुंच सकते हैं, वाया आप फ्लाइट भी जा सकते हैं, ठीक है। समरकंद का अपना इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, इसके अलावा बुलेट ट्रेन से पहुंच सकते हैं, नॉर्मल ट्रेन भी चलती हैं, इसमें 2 आवर्स की बुलेट ट्रेन में जर्नी रहती है, उसके अलावा 4 आवर्स की जो जर्नी रहती है वो नॉर्मल ट्रेन की रहती है, ठीक है। और पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है इसकी, 3 लाख ये इसकी यहाँ की पॉपुलेशन है, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, ठीक है। जो वहाँ पे जो फेमस हॉस्पिटल है, इसके अलावा इंडियन हॉस्पिटल्स भी हैं वहाँ पे, ठीक है, जैसे फोर्टिस वगैरह हो गया, बट ज़्यादा भीड़ रहती है वो रहती है समरकंद के अपने हॉस्पिटल में। हम सभी यूनिवर्सिटीज़ में गए हूँ और सारा कुछ जाके देखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे व्लॉग्स हैं वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उसकी फ़ीस के बारे में बात करें तो $3,200 की फ़ीस है, तो इसका जो बजट बनता है 25 से 26 लाख का इसका बजट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी आती है हमारे पास वो आती है ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट, जो कि मेन ब्रांच है ताशकंद की, ठीक है। इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करें तो 2005 का इसका एस्टैब्लिशमेंट है, और ताशकंद मेन सिटी में है, तो आपको जो कैपिटल का एक्सपोजर है वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। और सभी यहाँ पे कंट्री से स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने, और जो इसकी फीस है वो है $4,500 फर्स्ट ईयर की, और जो सेकंड ईयर से फीस हो जाती है वो आ जाती है $3,200, तो फर्स्ट ईयर की फीस है वो थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट आता है हमारे पास वो आता है एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट। एक चीज़ आप देखें, तो आपको समरकंद बताई वो यूनिवर्सिटी थी, ताशकंद एक अकेडमी है, और अब जो बता रहा हूँ आपको इंस्टीट्यूट है, ठीक है, आप उसको उसी अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना अक्सर वही होता है कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एंडीजान स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो इसकी पॉपुलेशन भी है 2 से 3 लाख,
और इसमें एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट आप एंडीजन पहुँच सकते हैं, आप ताशकंद सिटी का वाया बुलेट ट्रेन या ट्रेन नॉर्मल से या बस से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसकी फीस के बारे में बात करें तो $3600 इसकी फीस है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आता है ताशकंद डेंटल इंस्टीट्यूट। अब इसको डेंटल इंस्टीट्यूट से ये ना समझे कि सिर्फ डेंटल इंस्टीट्यूट है, ये मेडिकल इंस्टीट्यूट भी इसके साथ ही है, ठीक है। इसके अगर एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 2014 का एस्टेब्लिशमेंट है और उसकी जो फीस है वो $3800, ठीक है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट आता है हमारे पास, वो आता है फरगान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये भी एक अच्छा इंस्टीट्यूट है और इसकी जो फीस है वो आती है $3500 और 1.5 लाख यहाँ की पॉपुलेशन है, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वो आता है बुखारा इंस्टीट्यूट ऑफ बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। इसकी भी जो फीस है वो है $3500 और बुखारा भी काफ़ी फेमस नाम है बट और उसका एस्टेब्लिशमेंट भी काफ़ी अच्छा, 1990 का इसका एस्टेब्लिशमेंट है, काफ़ी अच्छी ये भी इंस्टीट्यूट है। बट आप जो आपको मैंने रैंकिंग वाइज बताई है उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। किसी का देखो बजट बनता है यहाँ पे 25 से 26 लाख, जैसे समरकंद हो गया। अब ताशकंद में ही बात करें जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। और तो यहाँ आपका जो बजट बन जाता है आपका 30 लाख तक वो पहुँच जाता है। और जो अगर हम एवरेज अगर टोटल बजट देखें तो 25 से आपका 28 लाख तक के बीच में आपकी जो यहाँ पे MBBS कंप्लीट हो जाती है। फ्लाइट के चार्जेस काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल है, यहाँ पे अराउंड 19,000 से फ्लाइट स्टार्ट होती है 25,000 तक ही रहती है वन साइड की, ठीक है। और वीज़ा बहुत जल्दी आ जाता है इनका, अगर टूरिस्ट वीज़ा है पेरेंट्स भी के साथ जाना चाहता है तो एक से दो दिन में वीज़ा भी आ जाता है और फ्लाइट काफ़ी सस्ती है और वहाँ पे आप पहुँच के खुद भी आप सारी चीज़ें एक्सप्लोर वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट हैं जिनके हमने बारे में बात करी, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं इसमें, अकेडमीज़ भी हैं और यूनिवर्सिटीज़ अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है। आपने देखना है आपने किसकी तरफ जाना है, सभी के बारे में रिसर्च करें और जाने उसके बाद ही कहीं पे जाएं, ठीक है। हम सभी यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे गए हुए हैं और सारा कुछ एक्सप्लोर किया हुआ, कुछ एक आपको एक अच्छा डिसीजन बता सकते हैं क्या रह सकता है। उसके अलावा हमें कॉल कर सकते हैं, सभी के फीस स्ट्रक्चर जानना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं, ठीक है। इनका जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं तो आप हमारे को आज ही कॉन्टैक्ट करें, आप हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। अगर आप मुंबई से तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं हमारे पुणे वाली ब्रांच में या बेंगलोर में तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। और आप जो हमारी मेन ब्रांच है नोएडा में, ठीक है, वहाँ पर भी आप चाहे तो हम उससे मिल सकते हैं, आके सारी चीज़ें वो जान सकते हैं। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नंबर नीचे दिया उस पर हमें कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी वीडियो MBBS उज़्बेकिस्तान पे, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पर्टिकुलर बात करेंगे पर्टिकुलर वीडियो के साथ। तो आप ट्यून कर दें, अब तक ट्यून नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।